नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सहारनपुर के जनमंच सभागार में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग द्वारा निर्माण श्रमिकों के हितार्थ संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभ वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री श्रम व सेवा योजना एवं समन्वय उत्तर प्रदेश सरकार अनिल राजभर और विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री श्रम सेवा योजना और समन्वय अनिल राजभर ने पार्टी के सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम के लिए बधाई। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के श्रमेव जयते के नारे को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश जी प्रदेश योगी जी की सरकार 8,30,00,000 श्रमिकों के जीवन को बदलने के लिए संकल्पित है। आज सहारनपुर 11 करोड़ से भी ज्यादा रुपए के हितलाभ का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ। आप देख रहे हैं हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे डीएम साहब के साथ पूरा जिला प्रशासन और 2100 हमारे श्रमिक इस अवसर पर उपस्थित हैं। सरकार पूरी तरीके से संकल्पित है इनके जीवन को बेहतर करने के लिए और इनको सरकार की योजनाओं का ठीक से लाभ मिले। हमारा कोई श्रमिक योजनाओं से वंचित न रह जाए, इस तरह का प्रयास आज सरकार कर रही है और ये कार्यक्रम यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। और इस कार्यक्रम से प्रेरित होकर हमारे हर मंडल में इस तरह के कार्यक्रम हम पहले चरण में करने जा रहे हैं, उसके बाद जनपदवार भी हम इस कार्यक्रम को करेंगे। सर, संसद में जो है देखा गया है सुरक्षा को लेकर चूक हुई है, क्या कहेंगे लगातार? माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने इस पर कमेटी बनाई है, जांच हो रही है और प्रतिपक्ष के साथियों से हम लोग कहना चाहते हैं कि जब इस तरह की हाई लेवल की कमेटी जब गठित होती है तो उसकी रिपोर्ट आने से पहले किसी प्रकार का प्रश्न नहीं खड़ा करना चाहिए। रिपोर्ट आने दीजिए और धैर्य से उसका इंतजार करिए, उसके बाद कोई प्रतिक्रिया देना हो आप दीजिए, स्वतंत्र हैं। लेकिन जांच कमेटी के काम को प्रभावित करना और हर बात का राजनीतिकरण करना, ये प्रतिपक्ष का जो फैशन बन रहा है, ये कहीं से ना ही देश के हित में है और अवसर को समझना चाहिए कि मौका क्या है, परिस्थिति कैसी है, उसके अनुसार विपक्ष व्यवहार करे तो ज्यादा उचित है। इस बार 400 पार के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में उतरेगी और जिस तरह का उत्साह, जिस तरह का समर्थन अभी 3 प्रदेशों के चुनाव में हम लोगों को देखने को मिल रहा है, मैं समझता हूं कि जो लक्ष्य निर्धारित किया है पार्टी ने, उस लक्ष्य को पाने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी, उससे बड़ा समर्थन भी मिल सकता है। इतना मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी सरकार, आज तक किसी को जैसा समर्थन नहीं मिला होगा वैसा समर्थन इस बार भारत की सम्मानित जनता पूज्य मोदी जी को देने जा रही है। कोई गठबंधन वठबंधन नहीं चलने वाला है, उससे पहले आपस में लाठी चलाकर अपना अपना सिर ये लोग फोड़ लेंगे और आपको कहीं गठबंधन कोई दिखाई नहीं देगा, चुनाव आते आते आप देखते। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर, तेज असर।